माई फर्स्ट ब्लॉग। देखो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ यूट्यूब पर बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो यूट्यूब के थ्रू, तो भाई आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बताऊं, वो है भाई ब्लॉगिंग। एंड भाई आप लोग पहले ही वीडियो से वायरल जा सकते हो यूट्यूब पर। वो कैसे जा सकते हो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। और माई फर्स्ट ब्लॉग तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एंड बहुत सारे ब्लॉग्स आपके सामने आए भी होंगे माई फर्स्ट ब्लॉग करके। और भाई ये ट्रेंड आज से नहीं चल रहा, कम से कम भाई यहाँ से 6-7 मंथ हो गए हैं, ठीक है, चाहे साल भर हो गए हों जब से ये ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर। एंड अगर आप लोग भी यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो, जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो भाई आपको सबसे आसान रास्ता बताऊं तो भाई ब्लॉगिंग, और उसमें माय फर्स्ट ब्लॉग बना लो, देन उसके बाद आप लोग अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। और भाई आपको बता दो कि भाई ये माय फर्स्ट ब्लॉग जो ट्रेंड था तो भाई बीच में रुक गया था कुछ दिन के लिए, ठीक है। आपको पता होगा भाई कुछ दिन पहले ब्लॉग्स वायरल हो रहे थे, बट कुछ दिन के लिए रुक गए थे, बिल्कुल भी कोई भी ब्लॉग वायरल नहीं हो रहा था। बट फिर से आप ये रिसेंट 10-15 दिन के अंदर बहुत सारे ब्लॉग्स वायरल होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स में लाख लाख व्यूज आ चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो ही डालते हैं उसमें भाई बहुत अच्छा खासा व्यूज चला जा रहा है, जिससे कि भाई उनको एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिल जा रहे हैं, जिससे कि उनका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जा रहा है। तो आखिरकार आप लोग कैसे अपने माई फर्स्ट ब्लॉग को वायरल कर सकते हो? ब्लॉग तो भाई सब लोग बनाता है, बट भाई वायरल नहीं होता। तो मेन चीज़ यही कि आप लोग वायरल कैसे कर सकते हो। और भाई मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल कर रखा है पिछली बार ट्रेंड में, ठीक है। मैंने पहला ब्लॉग बनाया था माई फर्स्ट ब्लॉग करके, और उसे मैंने किसी को नहीं बताया था। जब मेरा ब्लॉग वायरल हो गया था जिसमें शायद 20K या फिर 30K व्यूज आ गए थे, तब मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसमें मैं ब्लॉग्स वीडियो को अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि भाई माई फर्स्ट ब्लॉग को वायरल कैसे करते हैं। बट आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, आज की इस वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ कि आज के इस ट्रेंड में कैसे आप लोग शामिल होकर के अपने माई फर्स्ट ब्लॉग को वायरल कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अच्युत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विकेटेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई माई फर्स्ट ब्लॉग को वायरल करने के लिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ओनली एक ही चीज़ बताऊँगा, वो है भाई यूनिक चीज़। अगर आप लोग माई फर्स्ट ब्लॉग को बिल्कुल यूनिक बनाते हैं तो भाई आपका ब्लॉग 100% वायरल होगा, और इसमें कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करती है। काम करती है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो चीज़ें सीक्रेट हैं, जो चीज़ें मैंने अपनाया है वो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि यूनिक क्या होता है ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। देखो भाई यूनिक ऐसी चीज़ें कुछ क्रिएट करना है जो कि भाई लोगों को या फिर ऑडियंस को बिल्कुल अट्रैक्ट कर दे अपनी वीडियो में। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे माई फर्स्ट ब्लॉग का बहुत सारे आपके सामने सजेस्ट करते हैं, तो भाई स्टार्टिंग जो होती है ना माई फर्स्ट ब्लॉग की, तो वही से आप लोगों को जो ऑडियंस का जो ना कनेक्शन बन जाता है, मतलब कि कहीं चलते हुआ सीन लगा देते हैं, कहीं सूर्य उदय का सीन लगा देते हैं, या फिर अस्त का लगा देते हैं, और बहुत सारे जो है चीज़ें होती हैं, तो मतलब कि उनको लगाने से भाई ऑडियंस का जो अट्रैक्शन है ना वो बन जाता है, जिससे कि ऑडियंस बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखती है। और आपको पता कि अगर वीडियो का अच्छा खासा वॉच टाइम मिलता है तो भाई आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल करने के एक ही मेन चीज़ यही है कि आपको यूनिक माई फर्स्ट ब्लॉग बनाना है। जितना ज़्यादा आप सोच सको माई फर्स्ट ब्लॉग के लिए, उतना ज़्यादा सोचने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा यूनिक करने की कोशिश करो कि भाई आपका माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो जाए, ठीक है। और अगर बात करें कि भाई वीडियो की लेंथ की, कितना आपको वीडियो का लेंथ रखना है, तो भाई ब्लॉग बहुत सारे वायरल हुए हैं, ठीक है। कोई कोई भाई 40 सेकंड का ब्लॉग रहता है वो भी भाई वायरल हुआ है, कोई कोई भाई 2 मिनट का ब्लॉग रहता है वो भी भाई वायरल हुआ है, कोई कोई भाई 3 मिनट का ब्लॉग रहता है तो भाई वो भी वायरल हुआ है। हर एक ब्लॉग वायरल होते हैं, बट आपको एक चीज़ जरूर रखना है कि आपका फर्स्ट वीडियो तो होता ही होता है, तो आपको हो सके तो भाई कम से कम जो है वीडियो की ड्यूरेशन को रखना है, कम से कम टाइम की वीडियो को बनाना है। देखो स्टार्टिंग में आपको कोई एक क्लिप को ऐड कर देना है, ठीक है, उसमें आप लोगों को जैसे आपकी वॉइस चलती रहती है, या फिर बोल दो कुछ भी कि मैंने भी अपनी लाइफ के में कुछ सोचा था कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, और मैंने एक आसान रास्ता चुन लिया यूट्यूब करके, तो आप लोगों के पैन सपोर्ट चाहिए, कुछ प्रकार से आप जो बना सकते हैं, ठीक है, आगे क्लिप लगा सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस का जो अट्रैक्शन होता है ना वो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अपना जो है इंट्रोडक्शन दे देना है कि मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ इस चैनल पर, सब कुछ आप लोगों को बता देना है, और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करके, मतलब कि बना करके अपलोड कर देना है। कम से कम भाई 2 से 3 मिनट का आपका बन जाएगा, बट कोशिश करना कि भाई आपको कम से कम टाइम का बनाना है,
दो से या तीन मिनट का बनाना है, जिससे कि आपके ब्लॉग में अच्छा खासा जो ऑडियंस रिटेंशन मिले, जिससे कि आपका ब्लॉग वायरल हो सके। और भाई अगर बात रही थंबनेल की, तो भाई थंबनेल भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे कि आप लोगों को इस ट्रेंड में आपका माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो जा सके। और भाई आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा माई फर्स्ट ब्लॉग। जितने भी चैनल्स ऑलरेडी बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि भाई एक बार फिर से आप एक और चैनल बनाओ, उसमें माई फर्स्ट ब्लॉग जरूर अपलोड करो। क्या करना भाई, देखो अगर वायरल हो रहा है तो भाई आप भी कम से कम, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, तो बस मतलब वही वाला सिस्टम है कि आप लोग भी कम से कम हाथ धो लो। मौका जो है बार बार नहीं मिलता, ठीक है। और भाई एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में जरूर रखना है कि जब भी आप माई फर्स्ट ब्लॉग को अपलोड करो, तो भाई हो सके तो भाई 3 से 4 जीमेल आईडी बना करके उस ब्लॉग को देख लीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन जब वीडियो आए तो भाई ब्राउज पीछे से या फिर ब्लॉग को सर्च करके देख लीजिए, माई फर्स्ट ब्लॉग डालिए और पहले तो नहीं आएगा, फिर आपका नाम डाल दीजिए अपना चैनल का, तो भाई आपका आ जाएगा। देन इसके बाद आप देख लीजिए, जिससे कि भाई एक बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग झेल दोगे किसी को तो भाई आगे बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से यूट्यूब है, अगर थोड़ा सा वीडियो को आप झेल दोगे तो भाई और आगे बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से क्लिक मिले तो भाई आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो भाई थंबनेल में आपको जरूर कुछ खेल करना है, अच्छी तरीके से बनाना है, और भाई बस और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करती है, ठीक है। तो भाई मेन आपको अपने ब्लॉग पे फोकस करना है, उस ब्लॉग को बिल्कुल इतना ज़्यादा अच्छा बना देना है ना, जिससे कि आपका ब्लॉग वायरल हो जाए। और भाई 100% मैं कहता हूँ कि भाई ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी काम नहीं करता, ओनली बस कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने बता दी, इनको आप लोग ध्यान में रख करके वीडियो बनाइएगा, और बस और कोई भी यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, कि कोई टैक्स नहीं होता कि आप भाई ये लगा दो तो आपका वायरल हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको माई फर्स्ट ब्लॉग टाइटल दे देना है, और डिस्क्रिप्शन में जो है डाल सकते हैं अबाउट करके, मतलब कि मैंने अपने बारे में थोड़ा सा डाल दीजिए, और 2-4 तो हैशटैग लगा दीजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी आपका माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो जाएगा, और टैग्स में भी इस प्रकार डाल दीजिए माई फर्स्ट ब्लॉग, या फिर माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, अपने चैनल का नाम डाल दीजिए, इस प्रकार से अपने हैशटैग में डाल दीजिए, बस और कोई भी इसमें तरीका नहीं होता, ठीक है। अगर आपका वीडियो अच्छा होगा, अगर आपका ब्लॉग अच्छा होगा, तो भाई आपका ब्लॉग 100% वायरल होगा। मेन चीज़ आपको थंबनेल पर ध्यान रखना है, अगर थंबनेल में क्लिक करवा लिया, अगर आपका ब्लॉग अच्छा हुआ, तो भाई आपका ब्लॉग 100% वायरल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगले जाने के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय।